मैं निशांत कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइफ। मैं अगर मुझे आज औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के पामझर सहित जो एक अच्छा सा गांव है वहां पर मैं उपस्थित हूं और आज यहां डीपी हॉस्पिटल का शुभ आरंभ यानी आज उद्घाटन हुआ और हमारे साथ बहुत सारे मुख्य अतिथि बहुत दूर दराज से आए हुए और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि जो इस तरह का हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल खुलवाई जाती है या आज जो इसका उद्घाटन है इसको लेकर क्या कहेंगे। हमारे साथ सर सबसे पहले मैं आपका नाम लेना चाहूँगा। सर बहुत हैदराबाद जी उद्घाटन में आए सर। हम चाहेंगे थोड़ा सा लोगों को सुनाई देते सर। लोग हमको इन्वाइट किए थे यहाँ ऑपरेशन के लिए, यहाँ पर आए, आने के बाद देख के हम खुश हो गए। बहुत अच्छा ढंग से ऑपरेशन किए थे, खास करके बच्चे के लिए नहीं सी इतना छोटा जगह में नहीं सी कहीं उपलब्ध नहीं। बाकी सर का बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि नहीं सी यू रखें। हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल और भी अच्छा से डेवलप हो, गरीब लोग इसका लाभ उठाए और बहुत जल्दी इसमें हम लोग आयुष्मान भारत का भी स्कीम के अंतर्गत इसका नाम एनरोलमेंट करें। उसके बाद गरीब से गरीब लोग के लिए बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी फ्री से भावे। और सतीश जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, लोग कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आजकल का जो जमाना है जो माहौल है लोग कहते हैं कि नहीं हॉस्पिटल तो लोग खुलवा देते हैं पर वहाँ पे भी घूस लोग ऐसे हो जाते हैं जो ऐसे तब लोग घूस ले लेकर यहाँ पे जो हॉस्पिटल का कार्य को किया जाता है जो पेशेंट को इलाज किया जाता है। सर क्या लगता है आपका कि इस हॉस्पिटल में उसी तरह का संभव रहेगा क्या? सबसे पहले तो देखिए अगर हॉस्पिटल कमाने के लिए अगर तो बिल्कुल सर इस जगह पे तो नहीं हो, कहीं बड़ा शहर में बहुत इन्वेस्टमेंट लगा के यहाँ। सर का मकसद है कि गरीब लोग को अच्छा सेवा मिले। यहाँ एन आई सी यू हुआ, आई सी यू भी हम देखे हैं, चार बेड का आई सी यू है, बहुत अच्छा से मल्टी पैरा मॉनिटर सेटअप हुआ, तो यहाँ उस टाइप का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सर मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा इस इलाका में जो देहात क्षेत्र का इलाका है जो अमझर शरीफ बहुत फेमस गांव के नाम से भी लोग जानते हैं, सर क्या लगता है ये जो माहौल है इस तरह का मोमेंट होती रहती है सर क्या कहेंगे इसके बारे में लोगों को जो ग्रामीण है उसके प्रति क्या? अमझर शरीफ जो है सर फेस कैमरे अमझर शरीफ ये अमझर जंगल था जी, लेकिन हमारे सैयदना मोहम्मद कादरी जो बगदाद से चल के यहाँ आए वो इंसान की खिदमत करने के लिए आए, तो ये हॉस्पिटल देहात में मेरे खोलने का सिर्फ मकसद है कि यहाँ इंसानों का इलाज हो। जो गरीब से गरीब इंसान जिसकी पहुँच पटना गया औरंगाबाद या बड़े हॉस्पिटल तक नहीं है, मैंने सिर्फ इसी मकसद से खोला है कि गरीब का यहाँ इलाज हो और सरकार की तरफ से जो आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम है उसको भी हम देख रहे हैं। ये सब मैंने ही काम कराया। अभी हमारे यहाँ बच्चियों के गांव के और मदारिस के बच्चियों के लिए जो सेंटर भी चलता है सिलाई सेंटर, जिसमें 90 बच्चियाँ 3 महीना सीखती हैं, बच्चों का मदरसा भी है। बच्चे और बच्चियों के मदरसे में हम इंग्लिश तालीम भी दे रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो स्कूल है वो 12वीं तक हो गया है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चे इधर दीन की तालीम मिले और दुनिया की भी तालीम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ और भी बहुत कबूल हैं। सर मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा ये हॉस्पिटल सार्वजनिक हो सकता है या आपके तरफ से किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि सर यहाँ जो हॉस्पिटल इसमें भी हिंदू मुस्लिम होगा, जिस तरह से आज का मोमेंट माहौल को देखा जा रहा है उस तरह से आपके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी? ये ऐसे की धरती है, इन्होंने जो जवन ऋषि यहाँ पर रहे उनके साथ की मित्रता है, तो ये शुरू से ही जो धर्मावलंबी थी जो धर्म गुरु था उन लोगों का जो अपना आपसी भाईचारा वही प्रेम यहाँ के लोगों के बीच लोगों ने और जो मठ के वहाँ के लोग हों देवकुंड के या अंतर शरीफ मठ के जैसे इन लोगों का भी आपस में अभी भी आज काफ़ी अच्छा संबंध है, ये भी जाते हैं वो भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पैसा
तरह का मेयर समस्या और लोगों की भी समस्या ऐसा है कि यहाँ पर कोई उस तरह का फीलिंग वाली बात नहीं होती। और इसी पर्पज इसको हमारे डी जी ने भी और मेजर काबिल साहब ने आपको बतलाया कि यहाँ पर चाहे वो किसी कम्युनिटी का नहीं, कोई तरह का भेदभाव धार्मिक या कोई वो जाति कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रश्न ये की है गरीब लोग जो सक्षम है वो अपना इलाज कहीं करा सकते हैं, वो लोग इलाज अपना कहीं बाहर करा दें। यहाँ केवल जो गरीब तबके के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि औरंगाबाद जिला के हरपुरा प्रखंड के सुधीर ग्रामीण क्षेत्र अध्यक्ष हैं, जो एक धार्मिक स्थल भी है, एक बुजुर्ग की अस्थि भी है, एक दुआएँ हैं और उनकी दुआओं से ही संयुक्ता पार्टी पहुँचे और ऊपर वाले की दया से आज इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माण करने का सोचा है और आज उसको मुफ्त रूप दिया है। इसका उद्घाटन हमारे माननीय हैदराबाद से आए हुए कई कॉलेजों के, मेडिकल कॉलेज के, डी एन एम कॉलेज के, ये अपना उससे प्रोफेसर ये इसके पहले भी आ चुके हैं और आज भी यहाँ उपस्थित है समारोह में और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन भी इस समारोह का किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि आज जो हसपुरा प्रखंड के अमछर ग्राम में डीपी हॉस्पिटल का जो आज उद्घाटन करता है वो सतीश जी है, उन्होंने साफ कह दिया कि लोकल क्षेत्र के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ पब्लिक लाइफ पर।